हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स मैं गुलाब जी एन ए कलेक्शन में आज आपका फिर से एक बार वेलकम और स्वागत करता हूं दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों बीच में मैं बहुत काफ़ी दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि घर में बिज़ी था उसके बाद में दिल्ली एग्जीबिशन स्टार्ट हो गया तो लास्ट वन वीक से वहीं बिजी था बाकी आपने बहुत सारा मेरा दिल्ली का लाइव वीडियो देखा होगा जो मैंने कंटिन्यू थ्री डे का मैंने पूरा वीडियो अपडेट किया बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हुए थे व्यूअर आए थे और जो बहुत सारे अनून भी ऐसे आए थे जो अपना कलेक्शन लेकर आए थे एग्जीबिशन के अंदर फिर उन्होंने उन्होंने मुझे दिखाया जो उसकी वैल्यू थी मैंने बताया फिर मैंने बोला कैसे अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में कलेक्शन करना तो आप करने के लिए पहले विजिट आपको सबसे पहले एग्जीबिशन में आना होगा और बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं कि कोई भी क्वाइन नोट्स का फोटो मेरे पास भेज देते हैं तो उसके लिए मैं एक जानकारी देता हूँ दोस्तों अरे सबसे पहले मेरे अंदर वीडियो बनाया गया है उसमें आप वीडियो से अपना कलेक्शन मैच करें उसके बाद जो मेरे चैनल के अंदर जो वीडियो नहीं होगा उसका मैं प्राइस बताऊंगा और उसके बाद में उसका एक और बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंडिया में आप जिस स्टेट से हो मैं इंडिया के लगभग हर स्टेट में एग्जीबिशन होता है जिससे आप नियर अबाउट में हो तो वहाँ पर आप आराम से जाके अपना कलेक्शन दिखा सकते हैं जो वैल्यू होगा वैल्यू भी मालूम हो जाएगा और आपको अगर सेल करना चाहें तो वहाँ सेल कर सकते हैं दोस्तों तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ आज़ादी के बाद इंडिया का एक रुपया नोट उसकी मैं आज जानकारी दूंगा दोस्तों ये आज़ादी के बाद फर्स्ट वन रुपीज़ नोट आज मेरे पास है मैं दिल्ली एग्जीबिशन में ख़रीदा था और उसका मेरे पास इस हमारे चैनल पे भी वीडियो अपडेट नहीं था तो ये बहुत ही रेयर नोट आता है दोस्तों तो दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इंडिया के आज़ादी के बाद पहला इशू का नोट जो 1950 में बना है जो जो ये बहुत ही रेयर नोट होता है दोस्तों इसको मैंने दिल्ली एग्जीबिशन से अभी दो तीन दिन पहले मैंने ख़रीदा है दोस्तों अगर ये आपके पास नोट हो जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा तो अगर आपके पास नोट हो तो डायरेक्ट मुझे सेल कर सकते हैं आप इसका व्हाट्सएप पे फोटो और वीडियो भेज दीजिएगा अगर आप इंडिया से कहीं भी हो तो मैं आसानी से ये आपको कलेक्ट कर लूँगा मैं नहीं जाऊंगा मेरे फ्रेंड्स है बहुत सारे दोस्तों ये हैं तो दोस्तों आज़ादी के बाद ये पहला नोट है दोस्तों पहले आपको नोट दिखाता हूँ दोस्तों ये तो। ये आज़ादी के बाद पहला नोट है सबसे पहले यही नोट प्रिंट हुआ था 12 अगस्त उन्नीस को जिसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो के आर मिनन है दोस्तों ये दोस्तों इसमें इस, इस नोट में क्वालिटी है कि इसके पीछे डेट नहीं दिया हुआ है आप देख सकते हो फ्लावर है बना हुआ है दोस्तों इसके बाद एक सेकेंड इशू नोट हुआ तो जो सेम पैटर्न का है लेकिन वो रेयर नहीं है उसके नीचे अलग गवर्नर है तो मैं उसको आपको अलग अगले वीडियो में मैं उसके डिटेल बताऊंगा दोस्तों तो फ़िलहाल मैं ये नोट बता रहा हूं दोस्तों तो ये नोट जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कंडीशन ए यू एन सी बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा स्टेन है और ये बहुत ही रेयर नोट है दोस्तों अगर आपके पास ऐसा नोट हो तो मैं डायरेक्ट बायर हूँ फोर में एक नोट अगर आपका गुड लक अच्छा हुआ कोई फ्रेंड हो जो पुराने शहरों में ये ज़्यादा नोट पाया जाता है जहाँ जो पहले से शहर डेवलप हो सिटी डेवलप हो तो या अगर किसी के घर में तिजोरी में अगर ऐसा नोट हो सिंगल नोट हो या गड्डी हो तो आपका गुड लक है अगर इसकी गड्डी हुई तो मैं डायरेक्ट बायर हूँ फोर लाख में यानी सौ पीस अगर ऐसा सीरियल नोट होता है दोस्तों तो मैं इसको चार लाख रुपए में बाइंग करूंगा हाँ इस बाइंग करने के लिए ना कोई रजिस्ट्रेशन फी होता है न कोई प्रोसेसिंग फ्री होता है न कोई जीएसटी लगता है बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों तो दोस्तों पहले जो भी मेरे नए व्यूवर है उसको वो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो भी मेरे नए व्यूवर है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी जानकारी दूँ तो आपको आज जा, जा डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आराम से देखकर आप उसका प्रॉफिट बेनिफिट उठा सकते हैं हो सकता है मैं कैसा नोट रेयर बनाऊँ हो सकता है वो आपके कलेक्शन में हो तो वो डायरेक्ट मुझे सेल कर सकते हैं या इंडिया में कहीं भी एग्जीबिशन होता है तो वो मैं उसकी जानकारी देता हूँ पुराने नोट्स कोइन कि जो एग्जीबिशन होता है उसका भी मैं जानकारी देता हूं तो आप क्या है अगर आप सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन का बटन दबाओगे तो उससे क्या होगा मैं कोई भी वीडियो डालूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंचेंगे तो आसानी से आप देख सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों अब इसकी एक और वैल्यू बताता हूँ दोस्तों मान लिया जाए इसके लास्ट में थ्री नंबर सेवन एट सिक्स हो यानी थ्री नंबर कुछ और हो लास्ट थ्री नंबर सेवन एट सिक्स हो अगर सेम कंडीशन में आपके पास है तो मैं एक नोट एट थाउजेंड में बाइंग करूंगा यानी आठ हज़ार में बाइंग करूंगा जैसे एक नोट फोर थाउजेंड में बाइंग कर रहा हूँ लेकिन जैसे इंडिंग सेवन एट सिक्स हुआ तो इसकी वैल्यू कितने हो जाएंगे एट थाउजेंड तो दोस्तों ये बहुत ही रेयर नोट है बहुत ही कम मिलता है लेकिन मैंने इसको दिल्ली एग्जीबिशन से खरीदा है अगर इसका गड्डी आपके पास होगा तो मैं कितने में खरीदूंगा फोर लैक में नो no, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं दोस्तों यू होना चाहिए सीरियल हो ये इसमें पिन में जंग नहीं होना चाहिए जंग होगा तो भी वैल्यू ढाई लाख तीन लाख रुपया होगा लेकिन ऐसा नोट होने से यू होने से मैं फोर लाख में बाइंग करूंगा दोस्तों जिसका सिग्नेचर ही आप देख रहे हैं के आर मिनन हो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके शहर में रिलेटिव में फ्रेंड में किसी के पास हो तो ये वीडियो देख इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ये कोई फेक वीडियो नहीं है एक परफेक्ट जानकारी आपके पास हो तो, तो डायरेक्ट मुझे मेरे व्हाट्सअप पे करें क्योंकि हर वीडियो का आखिरी में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं अगर आपका आपके पास ऐसा रेयर नोट हो तो मैं बाइंग करता हूं कंफर्टेबली कॉमन नोट note और नोट्स और क्वाइन में बहुत कम बाइंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है उसको मैं बताऊँगा कि कहाँ कैसे सेल होता है उसके लिए ऑप्शन है इंडिया में हर जगह एग्जिबिशन होते हैं तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाएं तो कहीं भी इंडिया में होगा आप वहाँ के अगर नज़दीक से तो जाके एग्जिबिशन में क्वाइन आराम से नोट्स पुराने सेल कर सकते हो और उसकी आपको अच्छी वैली मिलेगी दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ जी कलेक्शन के तरफ से आप लोग का धन्यवाद थैंक यू